আমরা এখানে কাজ করি ফায়ার অ্যালার্মের কাজ ইলেকট্রিক ইলেকট্রিশিয়ানের ভিতরে একটা কাজ এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট আলাদা মানে ফায়ার অ্যালার্মের কাজ করি তো আমাদের সিনিয়র সুপারভাইজার আছে আপনার সাথে কথা বলবো ফায়ার অ্যালার্মের কাজটা কিভাবে করে না করে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম কে স্যার তো এখন জিজ্ঞেস করবো যে ফায়ার অ্যালার্মের কাজটা কেমন করে বা এটা যে মডিউলের কালেকশন বা ফায়ারের যে কি কাজটা এটা কি হয় না ডিবি প্যানেলের অথবা ডিবি প্যানেল এটা আমাদের মডিউল এটা হচ্ছে আমাদের মডিউল স্মোক ডিটেক্টর এটা আর এসে প্লাজা সাউন্ডার ধরে কানেকশন কিভাবে করে না করে এটা আমি জিজ্ঞেস করবো স্যার কানেকশন কাছে করতে হয় আজকে না দিয়া আপনারা বল দিয়ে দিয়ে আজকে যেহেতু আমরা स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर दो टाइप का हमारा डिवाइस आता है इसके अंदर ना सेम सेम क्वालिटी का इसके अंदर दो डिवाइस आता है ये जो है हमारा इसका बेस है स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर का बेस है इसमें एक हमारे पास आइसोलेटर रहता है उसके अंदर जो है ना कार्ड रहता है कार्ड के अंदर आइसोलेटर रहता है इसमें आपको कंटिन्यूटी मिलेगा इन आउट में लेकिन उसमें इन आउट में कंटिन्यूटी आपको नहीं मिलेगा वो आई बी डिवाइस है सीगा आई बी बोलते हैं ये हमारा जो है ना ब्रांड है सही है ये एडवर्ट कंपनी का बना हुआ है अपना मेक्सिको का तो इसको हम जो है ना ये बेस हम किसी भी जगह में जो भी है हाई लेवल पे हाई लेवल है तो हाई लेवल पे लगाना पड़ता है सीलिंग हम कहना तो सीलिंग में हमको स्क्रू लगा के इसको टाइट करना पड़ता है उसके बाद नीचे हमारा इसका ये मॉड्यूल रहता है इसके अंदर दो हमारे सीरियल नंबर हैं सही है ये डिवाइस के नंबर हैं इसका सीरियल नंबर है सीरियल नंबर हमने जो है इसका एक सीरियल नंबर इस डिवाइस के ऊपर ही रखना है दूसरा सीरियल नंबर निकाल के हमने अंदर रखना पड़ता है ड्राइंग के साथ गाना है या एक्सेल शीट में बना के हमने नंबर जो है ना उसमें कौन सा ड्राइंग के हिसाब से हमारा नंबर रहेगा उसके हिसाब से लगा के हमने इसको रखना होगा इसको यानी सीरियल नंबर को रखा उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग होगा हमारा मॉड्यूल का एड्रेसिंग होगा ये हीट डिटेक्टर स्मोक डिटेक्टर ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर बहुत सारे यानी बोर्ड टाइप का होता है ये बोर्ड टाइप आपको मिलेगा जो बेस के ऊपर लगता है जब हमारा फायर होता है या यानी हीट डिटेक्टर की पोजीशन में हीट मिलेगा तो ये सिग्नल देगा अपना कंट्रोल रूम में और जो हमारा इनिशियल सिस्टम है वो हाई होगा और जो हमारी अपनी नोटिफिकेशन है साउंडर है स्पीकर है फ्लैशर है वो जो है ना काम करना शुरू कर जाए जितना फायर डेम्पर है या कुछ भी है जो जिस हिसाब से हमारी ड्रेसिंग होगी प्रोग्रामिंग होगी वो उसको क्लोज कर देगा फायर डेम्पर होगा या एफ सी यू है जितना भी हमारा सी आर एच के मॉड्यूल लगते हैं ऊपर आई एफ यू के पास वो उसको क्लोज कर देगा सिग्नल देगा वो क्लोज हो जाएगा सारा सिस्टम क्लोज हो जाएगा उसके बाद हमारा जेट फैन है जेट फैन के पास भी सी आर एच मॉड्यूल लगता है सी आर एच मॉड्यूल अभी हमारे पास नहीं है लेकिन उस पर हम एक और वीडियो आपको लाएंगे ओके सर वो सी आर एच जो है ना वो उसको सिग्नल देगा सी आर एच मॉड्यूल को सिग्नल मिलेगा तो वो सी आर एच हमारा जो है वो हमारा जेट फैन को जो है उसको ऑन कर देगा आई हो जाएगा जेट फैन ऑपरेट हो जाएगा और हमारा जितना भी जेट फैन है एग्जॉस्ट फैन है वो काम शुरू कर देगा जो हमारा लॉजिक होगा ना उसके अंदर ये एयर बाहर निकालना है अंदर फेंकना है वो उसको किसी को क्लोज करेगा किसी को ओपन कर देगा उसके बाद इसका इसके अंदर हमारा 1.5 का केबल इस्तेमाल होता है 1.5 हमेशा हीट डिटेक्टर केबल जितना भी स्मोक डिटेक्टर का हमारा हीट डिटेक्टर है सिग्नल है वो 1.5 mm के केबल के थ्रू जाते हैं ओके सही है ओके इसके अंदर एक स्टार्टिंग लूप होता है और एक एंड का लूप होता है हमारा जहाँ पे एक लूप में कम मैक्सिमम हम 125 डिवाइस लगा सकते हैं सही है 125 डिवाइस और उसमें हमारा दो लूप रहता है एक स्टार्ट में लूप रहता है लूप यानी मेन हमारा लूप वन है तो उसको लूप वन को हमने जो जाके डिवाइस वन में देना है लास्ट में हमारा 125 नंबर डिवाइस है उससे लास्ट डिवाइस हमने लूप लेके वापस कंट्रोल रूम में लेके जाना है सही है फायर सेंटर कमांड सेंटर रूम उसको बोलते हैं FCC रूम सही है उसके बाद हम जाते हैं इसके बाद स्पीकर और फ्लैशर के बारे में स्पीकर और कनेक्शन उसका क्या कनेक्शन का वो तो डायग्राम में रहता है उसके नाम क्या इसके साथ हमारा डायग्राम रहता है उसके अंदर हम जो है ना उसका कनेक्शन करते हैं सही है इसके अंदर दो फंक्शन रहते हैं इसके अंदर स्पीकर भी है और एक फ्लैशर है सही है इसको बोलते हैं साउंडर बोलते हैं नॉर्मली एक फ्लैशर है सही है ये फ्लैशर के अंदर इसके लिए चार केबल हमारा आता है 2.5 mm का सही है वो जो हमने स्मोक डिटेक्टर है उसमें 1.5 का और इसके अंदर 2.5 का केबल आता है सही है 2.5 का केबल के अंदर इसके अंदर हमारा S+ S- केबल जो है फ्लैशर के लिए इस्तेमाल होता है और सी और इधर वन है दो पॉइंट है इसके अंदर सी है और वन है इसमें दो एक पॉजिटिव ब्राउन केबल और नेगेटिव केबल इन और आउट दो केबल हमारा इधर से लूप होके नेक्स्ट डिवाइस में जाएगा सही है ओके सर ये जो हमारा फ्लैशर या इसको
उसको यानी BPS बूस्टर पावर सप्लाई से भी हमारा सप्लाई आता है इसको, और APS से भी आता है। APS मीन एक्सिलरी पावर सप्लाई, उसमें कुछ जो है हमारी 6 एम्पीयर की एक्सिलरी पावर सप्लाई रहती है, 10 एम्पीयर की रहती है, उसके अंदर जो है हमको वो सिग्नल देती है, जो हमारे जो वोल्टेज को देती है वो स्पीकर काम करता है। और जो फ्लैशर है BPS, उसको BPS बूस्टर पावर सप्लाई वो देता है हमारा फ्लैशर को सिग्नल, सही है। एक फ्लैशर के अंदर यानी एक BPS के अंदर तीन जून को कंट्रोल करता है वो, तीन जून एक जून के अंदर 7 डिवाइस रहता है, सही है, 7 डिवाइस रहेगा वो, 7 डिवाइस यानी फ्लैशर भी हो सकता है स्मोक टैग में, 7 से 8 डिवाइस हमारा, उसके बाद एंड हो जाता है। एंड में एक रजिस्टर लगता है, रजिस्टेंस उसको बोलता है, 47 किलो ओम्स का या कितने का वो एक हमारा रजिस्टेंस रहेगा वो उसके अंदर लगेगा। और उसके बाद स्पीकर का जो है, स्पीकर के भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसमें, स्पीकर बहुत सारे, इसमें एक सीलिंग में स्पीकर आता है, हाँ। ये वॉल माउंटेड स्पीकर है, साउंडर है, सही है, सीलिंग में लगता है, हाँ, एक सीलिंग में लगता है जो आप सीलिंग के ऊपर आता है, सही है। एवोकेशन स्पीकर उसको बोलते हैं, उसका अपना मॉडल नंबर रहता है, ये हर चीज़ का अपना मॉडल नंबर रहता है, सही है, उसका अपना मॉडल नंबर है, बॉक्स का अपना मॉडल नंबर है, सब अपने नंबर के हिसाब से लगता है। उसके बाद इसका जो है ना, जो हमारा BPS है और APS है, APS से स्पीकर कंट्रोल होगा और BPS से फ्लैशर कंट्रोल होगा, सही है, फ्लैशर को हाई करेगा और APS हमारा स्पीकर को हाई करेगा, सही है। जब भी हमारा सिग्नल ब्रेक ग्लास से अपना स्मोक डिटेक्टर या किसी भी चीज़ को सिग्नल मिलेगा, इसके अंदर प्लेट रहता है, उसके अंदर कुछ वोल्ट जनरेट होते हैं, वो वोल्ट काम करते हैं तो ट्रैवल करते हैं डिवाइस के थ्रू वापस कंट्रोल पैनल रूम में, उधर से फिर इसको हाई करता है, तो इसके ज़रिए हमारा जो है ये सिग्नल मिलता है, तो ये नोटिफिकेशन है, इसको इनिशियल बोलते हैं, इसको नोटिफिकेशन बोलते हैं, सही है, ये दोनों जो है ना फिर इस प्रोसीजर के तहत ये काम करते हैं। उसके बाद इसके अंदर रहते हैं हमारे जो भी है ना इनिशियल सिस्टम, इसके अंदर हमारा होता है जून वाल्व होते हैं, फ्लो स्विच होते हैं, और जितना भी है वो 1.5 की केबल के साथ हमारा पूरा इंटरफेस होता है, लूप होता है, FECP पैनल जो हमारे इलेक्ट्रिकल रूम के बाहर लगते हैं, सही है, फायर एक्सटिंग्विशर कंट्रोल पैनल उसको बोलते हैं, वो भी हमारा इंटरफेस होता है हमारे सिस्टम के साथ, सही है, वो एक सेपरेट सिस्टम रहता है FM 200, उसके अंदर जो है ना सेपरेट सिस्टम रहता है, उसका अपना टैंक रहते हैं, उधर ही रहता है उसका फायर सिस्टम अगर कुछ भी हो, क्योंकि पैनल इलेक्ट्रिसिटी उधर आप पानी आपका नहीं अलाउड नहीं है, पानी का सिस्टम पैनल के ऊपर फेंकने का या फायर हो जाए कुछ भी हो जाए, उसके ऊपर क्या रहता है हमारा FM 200 फॉर्म रहता है, जब वो उसको मिलता है तो वो फॉर्म जो है ना पैनल के ऊपर फायर होगा कुछ भी होगा फॉर्म उधर पड़ेगा, वो उसका FM 200 काम करेगा, तो वो उसके लिए सेफ्टी है। और इसके लिए जो बाहर हमारा एरिया है, पार्किंग एरिया होगा या फ्लैट हो गए अपार्टमेंट हो गए, उसके अंदर हमारा क्या लगा होता है, हमारा फायर फाइटिंग का सिस्टम है, इसमें स्प्रिंकलर लगे रहते हैं, ये 3-3 मीटर के हमारे स्प्रिंकलर लगे रहते हैं, ये 3 मीटर आप फायर फाइटिंग का सिस्टम देखो रेड कलर का पाइप है, ये उसी के साथ सारा है सिस्टम लिंक है, सही है, वो 3-3 मीटर पर स्प्रिंकलर रहेगा, उसके ऊपर 1 डिग्री का हमारा वो लगा रहता है, उसके अंदर एक उसको ऊपर एक हमारा उसके डिवाइस लगी रहती है, मुख्तलिफ किस्म के आते हैं उसके ऊपर जो है ना स्प्रिंकलर लगे रहते हैं, उसके 60 टेम्परेचर पे ब्लास्ट करता है, कोई आप देखेंगे उसके अंदर ग्लास रहेगा स्प्रिंकलर, तो जैसे ही वो ब्लास्ट करेगा वो उसके ऊपर एक बड़ी होती है, ऐसे कैप बड़ी स्प्रिंकलर रहता है सर, ऐसे कैप रहती है उसके ऊपर, जैसे ही ब्लास्ट करेगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है ना, वो HDPE पाइप होता है, यानी हैवी पाइप है वो पाइप, यानी कि नॉर्मल पाइप नहीं है आपका पानी का पाइप, ये जिस तरह आपका प्लम्बिंग का पाइप है, वो इतना प्रेशर देगा प्लम्बिंग फट जाएगा, सही है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, मिनिमम मुझे मालूम नहीं है लेकिन उसके अंदर 15 से 20 बार प्रेशर रहता है उसके अंदर, सही है, वो प्रेशर हर टाइम उसके अंदर होता है, इतने प्रेशर से खुलता है तो चारों तरफ 380 डिग्री पर काम करता है, 380 डिग्री पर वो ऊपर जब कैप से टकराता है तो 380 डिग्री पर वो मारता है वो पानी, और इसका डिस्टेंस दूसरे के डिस्टेंस तक 380 तक रहता है। अच्छा, और हमारा पास तो दूसरा कोई डिवाइस नहीं है, आगे 2 डिवाइस 3 डिवाइस है, अभी 3 डिवाइस के बारे में बात किया, तो दूसरा किसी दिन जो दूसरा डिवाइस आएगा हम उसके मुताबिक वीडियो बनाएंगे, ऐसे ही हमारा ये डिवाइस रहेगा, किसी जगह में ये फ्लैशर सेपरेट रहेगा, अलग फ्लैशर लगेगा, और किसी जगह में साउंडर लगता है, साउंडर कहाँ लगता है हमारा, यानी सीढ़ी के अंदर वाली साइड में लगता है, और रूम के अंदर लगता है, सही है, कॉरिडोर एरिया में लगता है, और स्पीकर और साउंडर यानी वो एरिया में लगता है जहाँ पे हमारा यानी इस तरह का काम होता है, मशीनें चलती हैं या कुछ भी चलता है, आदमी सुनना होनी होता है, साउंड करता है उधर, तो हमारा साउंड आई होता है। तो स्मोक डिरेक्टर एवं हीट डिरेक्टर हमारे सीनियर सुपरवाइजर तो सब किस जाने फायर एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटर सब किस मेन সব কিছু কন্ট্রোল রং রাইট কোন কাজটা রং হইতেছে রাইট হইতেছে এটা দেখে। আর দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে এটা
ফ্ল্যাশার সাউন্ডার মানে ফ্ল্যাশ মারবো, একটা লাইট জ্বলবো আর একটা স্পিকার বাজবো যদি কোনো আগুন টাগুন লাগে। আপনার কানেকশন লাগাই এটি যে সময় আসবো তখন আবার আরেকটা ভিডিও করবো আমাদের স্যারকে নিয়ে। তো সবাই ভালো থাকেন, ভিডিওটা ভালো লাগলে জানাই। আসসালামু আলাইকুম।